अभी कौन डॉक्टर है? पिगी पिगी को लेने आ रहे पालमपुर से अभी। आज? हाँ जी अभी आ रहे थोड़ी देर में। पहचानता अपना नाम ये? अभी नहीं है ना। हाँ। ऐसे नाम रखा ही है आपने, हम अपना नाम रख सकते हैं। हाँ, कोई भी। हाँ, आराम से। फिट होगी इसको। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने सिल देना ना, ये गला ऐसे बाहर नहीं आएगी, ऐसे कर दूंगी ना फिट हो जाएगा। हमने बहुत टाइम इसके लिए वेट किया है, बहुत लोगों के कॉल तो आते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए। हेलो, पालमपुर से नंदन जी अपनी मदर को लेके आए हैं और इनकी एक सिस्टर भी है और ये पिगी के अडॉप्शन के लिए कुछ टाइम से मेरी बात चल रही थी इनकी। फाइनली पिगी अपने घर जा रहा है। ये थोड़ा सा बिल्का नो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, मैं सीधा डोनेशन बॉक्स में डाल। थैंक यू सो मच मैम। मुझे ये बता दो आज का कोई खास हमारा प्लान है सर्जरी? हाँ जी सर, एक स्पेस सर्जरी है और एक एम्पुटेशन सर्जरी है इस पपी की। सुशांत रेस्क्यू करके लेके आए थे। होटल स्टे के लिए आई है, ऐसे बिहेव कर रही है ये, बड़ा चिल एकदम। मैडम मैडम गाँव वाले ध्यान रखते हैं काफ़ी, उन लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी कराई थी, पर अब जब घाव ऐसा है ना कि वो हील भी होगा ना तो वो बार बार बनता जाएगा क्योंकि पंजा है नहीं इसका, है ना। तो ये वायर ट्रैप केस टाइप है? सर कोई आइडिया नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि चोट कैसे लगी थी, है ना। तो उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराई, फिर वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला कि इसको एम्पुटेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पोस्ट ऑप क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है वो लोग नहीं कर पाते, इस वजह से उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया। हाँ, पीछे की लड़ाई का आप मुझे कल बता दे, पीछे हाँ, क्या सीन चल रहा है? पीछे क्या मोरिंगा हीट पे है ना, इस वजह से अभी जैसे अब वही एक कारण है सर। तो अब देवयानी हीट में है ना? नहीं मोरिंगा, सॉरी सॉरी, हाँ मोरिंगा हीट में है और सारे लोग उससे लड़ रहे हैं। हटेगा भोला, कैसे लड़ रहे हैं ये लोग? मारते नहीं तो छोटे मोटे ऐसे घस्सा लगा जो ठीक हो गया ना, कोई सीरियस नहीं है। ओके, तो अपन अब करेंगे क्या कि एक तो भोला कुंडे उंडे तोड़ रहा है ना अंदर, तो इसको बाहर ही रहने दो रात को, इसको तो ठंड नहीं लगती इतनी। अच्छा अब ओ क्यूट बोली ने पहले कह दी है टोफू मेरी है। तो जब टोफू हीट में आती है या अपनी मोरिंगा हीट में आती है तो तब ये दोनों को ही बाहर कर दो कि अकेला कोई ना रहे, इन दोनों को बाहर कर दो उस समय और उस समय भोला को फिर अंदर बांध दो, ठीक है। टोफड़ू टोफड़ू कौन है मेरा टोफड़ू? पता नहीं, सब कहते हैं टोफू बड़ी गाय होगी, मुझे नहीं लगती, मुझे अभी भी ये बेबी बेबी काओ ही लगती है, बेबी काओ। वीगनिश क्या कर देगी? मैंने उसको बनाना खिलाने की बहुत ट्राई की ना तो वो पहले खा नहीं रहा था, उसके बाद जब मैंने उसे पीले करके दिया तो उसने बहुत एकदम मजे से खाया ना, तुरंत दो तीन बनाना वैसे खाए ना, पहले कितना 15 मिनट मैंने ट्राई किया उसने कुछ नहीं खाया। तो बेसिकली छील के तो जैसे हमारे जैसे चटोरी के मूंगफलियां छील रहे हैं सब, चटोरी मूंगफली छील के खा लेती है, स्पॉट चम्मी कहता है हमें छील के दो। बेटी जी मेरा वो है मोबाइल डस्टर। तो टफी को यहाँ रखना ना, अब मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, ऊपर से अब बहुत पपीज़ हो गए हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस अब ज़्यादा है। इतने दिन तो टफी को हमने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया लेकिन अब जितना हील कर सकते थे उतना तो हमने कर दिया है, उतना हीलिंग प्रोसेस तो पूरी ख़त्म है, अब सिर्फ हम इसको मल्टीविटामिन सिरप्स दे रहे हैं, या तो ये फॉस्टर हो जाए या तो किसी और शेल्टर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन बाहर तो नहीं छोड़ सकते, और यहाँ रखेंगे तो टेंशन ही रहेगा कि पपी को और वैक्सीनेटेड भी नहीं है ना, अगर इम्यून डाउन रहेगा अगर हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं रखना तो फिर उसको बहुत जल्दी कोई भी वायरस इफेक्ट कर सकता है। यार एक बार मैं चाहूंगा कि हम सेकंड ओपिनियन ले लें एम्पुटेशन के बारे में क्योंकि ये बड़ा हो जाता है फिर इसकी सर्जरी करनी है, तो इससे अच्छा एक बार हम सर्जरी कर दें उसको थोड़ा यूज टू भी हो जाए, है ना। अनीशा से हाँ मैं एक बार मैम से बात कर लेती हूँ, वो देखो वो चलता है लेकिन कह रही है खुजा भी रही है, चलती है हाँ। एक तो ये तो जो भाई साहब हैं चेतक ये तो ठीक होके इसके सारे पैर वैर चलते हैं ना, चलते हैं तो ये तो अडॉप्ट होगा,
हमारे यहाँ से घोड़े पहले भी अडॉप्ट हुए ना, एक अमृतसर गया था, एक और अडॉप्ट हुआ था, या उसी को मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो तो साल्वाडोर करके घोड़ा था हमारा। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है। ये कौन? हाँ जी, इसका ये इसका पीछे कुछ इशू है ना। हाँ जी सर, ये जो हिस्सा ये शायद पहले भी गिरा होगा कहीं ऊंचाई से, ये, तो ये सर ये आया कैसे है? आया तो ये अपने वुंड के लिए, इसके नेक पे वुंड है, इतना बड़ा होगा वुंड, और उसी के लिए बस आया। आप लोग गए थे लेने? हाँ सर, लेने गए थे कचहरी। गले पे इसको ना काफ़ी बड़ा बूंद है और काफ़ी दिनों से, तो ब्लड निकल रहा था काफ़ी ज़्यादा ना, बैठा है ना, तो सोच रहे रस्सी डाल दे डायरेक्ट। पैर को कुछ हुआ है क्या? पैर भी टूटा लग रहा है। आया ये बूंद के लिए, लेकिन इसकी डिफॉर्मिटी हुआ है, जैसे लोगों को जो जर्मन शेफर्ड पीछे से होते हैं वैसा है। और इसका मतलब इसको चलने में भी दिक्कत होती है ना, बहुत स्लो है, और ये भी है कि ओल्ड भी है ना ये काफी ज्यादा। ये इनब्रीडिंग की वजह से है शायद ये ऐसा, मतलब सर डॉक्टर्स का कहना था कि शायद ये पहले गिरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्कैब्स के निशान भी रहे थे पुराने ना। वापस जाएगा तो मतलब रह तो लेगा, क्योंकि इतने साल से रह रहा है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है ना ये, मतलब इसको। ठीक है, ये तो हमारे पास अब सैंक्चुरी में तीन है। हाँ। फिर दो रेडी हो गए, एक ये रहा राजकुमार और अहिल्या, पांच ये छठा छह, और एक हम सोच रहे हैं ना जो अभी खच्चर आ रहा है, खच्चर आना सात। ठीक है, वहाँ का भी मुझे शेड बनवाना प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है, तो शाम को मिलते हैं या बीच में जब भी। कब आ जाएगी बिजली यहाँ पे? दो तीन दिन में। ये आप लोग हाथ लेके आए हो, ये पिलर सब लेके आए हैं रविंदर दिलवर भैया, कृपालू भैया, अब ये खड़ा हो जाता है एक बार ही, तो तीन दिन के अंदर अपने आप बिजली आ जाएगी। बाथरूम हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तो एक महीने के अंदर दिलवर भैया यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे को जो नेक्स्ट है जनरेटर रेंट करके एक शेड बनवाना है, क्योंकि तीन एनिमल हमारे यहाँ हैं, टोटल सात एनिमल्स यहाँ पे जनवरी में आ जाएंगे। हमारे काउ शेड का जो काम है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर की अवेलेबिलिटी की वजह से रुका हुआ था, अब हमें फाइनली कोई मिल गया है जो हमारी ये बीम डाल देगा। ये बीम डलेगी तब हमारी छत डलेगी, और ये छत जो है बरसातों से पहले डलना शुरू है, यहाँ सर्दियों में भी बरसातें होती है ना, तो वो मेन टेंशन है। तो इस समय थोड़ा रेस अगेंस्ट टाइम है, हमने मिट्टी पहले ही भरवा लिया, क्योंकि एक बार बरसातें हो जाएंगी तो फिर यहाँ सारा कीचड़ हो जाएगा और फिर सारा काम रुक जाएगा। तो अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो जनवरी में हम अंदर का काम करना शुरू कर देंगे, जिसमें फर्श डल जाएगा, खुरलियाँ बन जाएंगी, ड्रेन्स हो जाएगी, और ये सारा काम होगा। मेरा खड़ा हो रहा है ना ये बैल, खड़ा हो रहा है, बट एक पीछे का पैर वजन नहीं ले रहा। योल से लिए ना सर आपने बैल? ये डल लेक से लेके आए हैं, तो खराब हो गया केस। मोटर तो है इसमें, बस हो गया। चलो देखो तो सही, अब कितना गहरा है, कितने दिन पुराना है ये? सर मुझे नहीं पता, मेरे को खाली गाड़ी आ रही है, मुझे नहीं पता कुछ कुछ भी इसके बारे में। इसमें तो मसल बन गई है, मसल भी आ गई है, काफी पुराना ही है, क्योंकि ऊपर से नीचे वाला हिस्सा बोन का फील हो रहा है, पर ऊपर वाला नहीं हो रहा, क्योंकि वो कवर्ड है ना ऑलरेडी मसल में। रखने का तो नहीं है, बस मैं ड्रेसिंग करूँगी, ड्रेसिंग खोली हुई है ना, क्योंकि बोन काली पड़ गई है और टेढ़ ही घटी है, तो अंदर तक भी कहीं अभी तक कैलस फॉर्मेशन नहीं है, और ऊपर भी मसल बन गया, काट के बोन अंदर डाली पड़ेगी, पर काली बोन जुड़ने के चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि फ्रेश नहीं है, क्योंकि जख्म बिल्कुल भी चांस है मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि होता तो अभी तक कैलस बन गया होता, क्योंकि है तो पुराना ही केस, नया तो नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं एक बार धीरज माली को फ़ोन कर रही हूँ, आप उनको बता दीजिए है ना, वो शिफ्ट करवा रहे हैं ना फिर वो गौशाला, तो वो यहीं से शायद भेज देना। अच्छा है, ठीक है, कर दूँ करवा लिया क्लीन, बस क्या करूँ, मेरे को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बड़ी कटी है इसकी, सर दो तीन दिन के लिए वो बोल रहे हैं कि आप रखवा दो यहाँ पे, जितना हो सकता है कर दो, तो अभी तो जगह है तो अपन रख सकते हैं, रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उतरवा ही लो। ये हॉक जॉइंट होता है ना? नहीं पेटलॉक होता है।
होती है तो इसके ऊपर अगर हड्डी टूटती है वो तो वैसे ही चांस नहीं है, पर ये वाली जो है यहाँ पे फिर भी जुड़ जाती है, पर टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती है पर जुड़ जाती है, पर वो तभी जुड़ती है अगर वूंड ना हो, क्योंकि वूंड पॉसिबल नहीं होगा तो ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लास्टर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसको हमने स्प्लिंट कर रखा है, स्प्लिंट किया था, आज स्प्लिंट ओपन किया है पूरा, दोबारा स्प्लिंट करने पर कुछ भी वो नहीं है। ये जो शॉर्टकट आप कर रहे हो दो दिन में जाएगा गौशाला में, तो वो जितना हम पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। जस्ट एन आइडिया कि हम इसकी एम्पुटेशन अगर कर दें तो नहीं हो पाएगा, मतलब इन्फेक्शन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई और रीज़न है? जो पिछली टांगों पे ये उठ के आती है सबसे पहले उसी टांगों को उठाते हैं पहले, फिर अगली टांगें उठाते हैं, और पिछले हिस्से में काफ़ी वेट होता है क्योंकि सारा स्टमक कंटेंट पीछे ही है, आगे अच्छा। तो बहुत कम वेट है बॉडी का, खच्चरों से बिल्कुल उल्टा है ना इनका। एम्पुटेशन हो नहीं सकती, हड्डी जुड़ नहीं सकती, तो हम बेसिकली यही सोच रहे कि जो भी इसका हो वो गौशाला में हो, यहाँ पर रहेगा तो ना भी इसका कुछ होगा और जगह रोकेगा। हम पेन मैनेजमेंट तो करते रह सकते हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि जैसे मैं हॉस्पिस शुरू करना चाहता हूँ कि भाई जहाँ पे डाइंग एनिमल की लास्ट मूवमेंट्स पे केयर हो, भाई ग्रेसफुली जाए, तल तिल 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 के नाम रहे, तो जो हमारी सेंचुरी में वहाँ डिसेबल्ड एनिमल्स तो हैं ही, इसको हम वहाँ शिफ्ट करते हैं अगर, तो पेन मैनेजमेंट के लिए हमारा वर्कलोड कितना बढ़ता है? नहीं, हमारा एक ट्रीट ऑन स्ट्रीट बढ़ेगा हमारा। Yes. Do it. करो। मजा नहीं है। कुछ ज़्यादा ही है। आया आया। Yes, finally. कोई नहीं कर रहा था रॉबिन, एक्चुअली आप। मैंने उनको करके दिखाया ना ऐसे। इसको मारा सर भाई, ये जो फीमेल है मुर्गी जो अमर से, तो इसको थोड़ा टाइम हम उसके साथ मूव कर देंगे, चुचू के साथ। हाँ बाप रे, तो इसको चुचू के साथ मूव कर लेते हैं। हनी नहीं था जो रेस्क्यू के लिए कॉल करता था? हनी मेरे को कांगड़ा से है ना, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने वो एक कड़कनाथ पाला हुआ है मुर्गा, जो काला मुर्गा होता है, हाँ, तो उसको देने जाते हैं यहाँ पे। तो बोले मेरे से अब पढ़ने रहा, वो कारता वगैरह कुछ नहीं है, पर वो यहाँ देने जाते हैं उसको। तो रख सकते हैं जहाँ ये पढ़ रहे हैं, यहाँ वो भी पढ़ जाएगा, पर अगर लड़ाई करेगा तो वापस भेजना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, जो बैल लेने गए हैं उसके पिछले वाले पैर में ना संजय जी और डॉक्टर हिमांशु दोनों डाउट बता रहे हैं कि फुट रॉट हो सकता है। कहाँ पे है सर? वो है बैठा, सिर्फ पैर में है, अगले पैर में भी लगी हुई है और पिछले में भी है, तो उसे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये तो फुट एंड माउथ है पीछे वाला, लंपी भी था इसे, इसको देखो। ये लंपी की वजह से हुआ है? लंपी की वजह से हुआ। ये तो बेचारे खुद लंपी से सेल्फ क्योर ही हुए, इनका ट्रीटमेंट नहीं किया है ना। ट्रीटमेंट कौन करेगा लंपी का? गवर्नमेंट वाले तो पकड़ते ही नहीं है। नहीं नहीं, वो इतनी लगी हो तो भी नहीं वो केयर करते। आप वो करना चाहिए ना, एक बार फोन करो आप उनको सापुर में। नहीं करते ये ज्यादा यहाँ पे, तो करेंगे ना वो डॉक्टर को दिखाते हैं ना ये क्या है, ये तो टूटा है। हाँ लेकिन कंफर्मेशन नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर ने ये देखो। अच्छा ये पास निकल रही है तो लाना है ये। अब ऐसे कंफर्म ही ना हो, पिछले साल में फुट रॉट थी। ये देखो ये क्या है, देख लो, बुरी हालत है पर इसकी। तो अगर ये लेना ले जाना पड़ा हमें तो रखेंगे, ला देंगे ऐसे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वो जो तुम्हारे बैल बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। तो अगर फुट रॉट हुआ तो फिर करेंगे? नहीं लाएंगे, फिर वहीं पे मतलब हम बता देंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग ये दवाइयाँ दे देंगे उनको, बेसिक पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्प्रे वगैरह सर। उसके इसका हाल वही होगा ना, मुझे बढ़ के तो वही हाल होगा, बस मसूर था वैसा, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। मतलब अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले कहीं और, हमारा तो इन्फेक्शन का डर है। सैंक्चुअरी? सैंक्चुअरी में कोई बैल तो है नहीं, तो यहाँ ले ही आओ। हाँ यहीं ले आते हैं ना। संजय भाई अभी उठा रहे कि क्या कर रहे? वहाँ पे ना वो रैंप से आया है यहाँ पे ना, हाँ, तो वहाँ पे एक बार लेके आते हैं, फिर जीप लगा के वहाँ लोड कर लेंगे। चलने नहीं हो रहा है भैया, बस पड़ी उसके आगे, चल
और अभी तो एक मकरोटी से ट्यूमर वाला डॉग भी ला रहे हैं। पहले भी हम इस डॉग को ट्रीट कर चुके हैं और जब ट्यूमर उसका रीग्रोथ हो गया है और इतना बड़ा हो गया है पैर के पास ना, फिर हमें कॉल लाई अब फिर उसको लेके आना है। पहले ट्रीट करके छोड़ के वापिस छोड़ दिया, दोबारा ग्रोथ हुई उस ट्यूमर की ना। पहले हम ट्यूमर क्लियर कर दिए थे। हाँ नहीं ना पटाखे के वो भाग गए ड्रेस से। कब कब आएगा वो तो आपको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर तक। क्या हुआ भाग गया वो तो भाग गया पर हमारे पटाखे बन गए ना तो बड़ी दूर से आए दिक्कत ये है। अच्छा थोड़ी देर बैठिए ना, उसके ना ब्याग इतना बड़ा हो रहा था हमने उसे पहले ले गए। हाँ वही वही वो ठीक हो गया है ना, हमारे घर से गया नहीं तीन चार मंथ हो गया ना। नहीं नहीं वहाँ से भागने का रास्ता नहीं भागेगी नहीं भागेगी नहीं 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 हमने रुक रहा नहीं नहीं देख के भाग जाएगी। दूसरी टांग पे जो है वो जोर से बंदा। आप ऐसे कैसे खड़े हो तैयार हो गए एकदम जाने के लिए? गए डॉग रेस्क्यू। डॉग रेस्क्यू हुआ नहीं सुबह रात वाला? नहीं नहीं वो तो मिला ही। एक और मकलोटी में जी और एक बुल लेके आए ना सुबह। बुल तो शाहपुर से लेके आए ना जी। एक रात वाला डॉग मिला ही नहीं। अब बाहर आओ क्या ऐसे लग रहा है मैं कन्फेशन से बात कर रहा हूँ। मुझे कन्फेशनल का सिस्टम अच्छा लगता है। वैसे वो जो हमारे भी रिलीजन में होना चाहिए अपना कहीं बोझ तो हल्का हो। बरोबरी से उसको भी बिगाड़ दिया है। बहुत बदतमीजी है अभी। प्लीज ये तो वैभव के साथ रह के वैसे खराब हो गया। इसकी शक्ल वैभव की आप मेरे पास आए थे ना कुछ बताने जब मैं कह रहा था कि मैं फोन पे हूँ। रेस्क्यू जो हम लेके आए हैं बैल शाहपुर से, उसका हमने सीधा सेंचुरी में शिफ्ट करवाया है उसको, क्योंकि डाउट है कि वो फुट रॉट हो सकता है उसे। अभी डायग्नोसिस हुई नहीं है कम्प्लीटली, डॉक्टर बिजी थे। जो वुंड है उसका ट्रीटमेंट हो गया, पेन किलर्स लग गए। दिखने में छोटा है या भस्मासुर जैसा बड़ा है? नहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप कहते ना शायद नहीं बैल नहीं वुंड। वुंड तो इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज। अब मेन प्रॉब्लम है ना कि हमें फ्रंट लेग में उसका फ्रैक्चर भी लग रहा है ना, हील भी हो सकता है, पेन की वजह से ना रख रहा ऐसा भी हो सकता है। सोचा बस ये काफी पुराना है ना तो टूटा है, पर हल्का सा मतलब कैलस बन रहा है, हल्का सा फ्रैक्चर है। वेट तो ले रहा है धीरे धीरे, टाइम तो लगेगा इसके। वो खच्चर का क्या हुआ? सर खच्चर कल मिला नहीं ना हमें। अच्छा अभी तो मतलब आज फिर कॉल बैक तो करेंगे हम। इसके अलावा तो बाकी ठीक चल रहा है। छोटे साहब को आइसोलेट कर रहे हैं हम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है ना, तो अभी पता नहीं है आइसोलेट करेंगे काउशेड में। और एक प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि हम काउशेड में अगर फैन चलाते हैं एग्जॉस्ट फैन तो ठंडी हो जा रही है। अगर हम एक विंडो ओपन रखते हैं तो फिर भी नॉर्मल है, अगर दोनों विंडो ओपन रखते हैं तो बहुत ठंडी हो रही है, ऐसा नवीन भी बता रहा है सुबह जो फीड करने। पर अगर एक आप रखोगे तो सबको रेस्पिरेटरी हाँ वो चीज भी इशू था, लेकिन साहिल का कहना है कि ठंड ज्यादा मेजर कंसर्न है। ठीक है फिर एक विंडो करो। एक विंडो कर लो। काफ्स के लिए दिक्कत है काफ हमारे पास एक ही है। अगर आप बोलोगे जैसे कि हम राजकुमार को अंदर रख रहे हैं तो हम विघ्नेश को भी उसके साथ अंदर रख लेते हैं, है ना? ऐसा कर लो। क्या हो गया विघ्नेश? क्या हो गया विघ्नेश को? टेम्परेचर डाउन है एकदम से और चोट भी लगी है थोड़ी बहुत। तो मेन टेंट डाउन है। हाँ, तो अब हमने कल वहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं रखा ऑन, सिर्फ एक खिड़की खुली तो उसमें तो टेम्प इतना नहीं डाउन नहीं होता क्योंकि पहले हम वही कर रहे थे ना, और इतने दिन से तो काफी आते हुए था, कोई भी इशू नहीं आ रहा था। चोट मुझे एक बार दिखाओगे कहाँ? चोट नहीं लगी सर, किसी और देखा था। देखो बड़ी ये गर्दन भी सीधी नहीं कर रहा सर, वो तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये लोग मंडी वो उठाने के तो इसको हम वार्म वाटर बॉटल दे देते हैं। साहिल करवा रहे तूने टेम्परेचर लिया इसका?
साहिल भाई अरेंजमेंट कर रहा है। तो तुम अगली जरा ऑन किया, चेक कर लेते हैं एक बार। जो खुर के पीछे खून लगा था ना, कहीं कुछ और तो नहीं है, मतलब कोई स्नैक बाइट तो नहीं है शायद। सिम्पटम्स थोड़े फर्क होते हैं उसके, मुंह से झाग वाग आ रही होती है इसके, खून निकला है। ये सर्वाइवर है, काफी बच जाएगा। इसकी मॉम वही है ना, इसकी मॉम को लंपी था। हाँ जी। इसको कौन लाया था? इसको तो गोपालपुर से कुछ लोग, लोकल के लोग लेके आए थे, जो लोग इसकी माँ का ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, माँ नहीं बच पाई थी, तो फिर उन्होंने इसके लिए हमसे बात की थी। इसका बॉडी टेम्परेचर डाउन है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए हमने इसको हम इसको गर्म फ्लूइड्स दे रहे हैं। मैं एक बात पूछूं, हमने इसको स्वेटर क्यों नहीं पहनाया जैसे हमने मीमी को पहना रखा? पहले हम पहनाते थे, इरिटेट हो जाता और ये खोल ही देता है सीधा ना, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल था एंड ये आराम से रहता है ना, इस वजह से हमने जैसे देख लिया। गट फीलिंग मेरी यही है कि ये हो जाएगा ठीक। कह नहीं रही कि हो ही जाएगा। कल हमारी एक पर्सन से बात हुई थी, अडॉप्शन लाइन में कॉल आया था कि वो एक डिजेबल्ड डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। हाँ। तो मैंने दोनों दो तीन आने में हमारे जो है बताए कि वो मुंह को हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं, उनकी वाइफ वेट भी है। मेरा उनसे भी और बात करना बचा है, लेकिन देखते हैं। हाँ। दिल्ली में अगर हो जाता है। सॉरी, मैं जो पूछने आया था कि कल जो सर्जरी थी। हाँ, पपी की एम्पुटेशन सर्जरी वो सक्सेसफुल रही सर, ठीक। तो वो पपी है कहाँ पे? ओटी में रखा है। उसको ओटी में रखा था? हाँ सर, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन करना ज्यादा। तो अभी हम लाइव कर रहे थे और हमारे को पता भी नहीं था कि ये ठीक हो गया, और अचानक ये दिखा कि अरे ये तो वीगनिस्ट भाई साहब चल रहे हैं। तो ज्योति को बताओ का ट्रीटमेंट आई, फ्लूइड्स भी लगाए था, फ्लूइड्स भी लगे थे इसको। बस अब आज ये है कि मैं देखता हूँ इसको, या तो अपने साथ ले जाऊंगा, मेरे रूम में रहेगा, या हम क्लिनिक में कुछ जुगाड़ कर देंगे। सर क्लिनिक में आज हो जाएगा, बेड बेड लगा के प्रॉपर एकदम। हाँ, बिल्कुल। सॉरी बच्चा, कल कर देती तो शायद। नहीं नहीं, पता होता यार। ओके, आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते कभी यार, ऐसे तो जब आप यू नो हम बहुत मैजिकल ऐसे लगा हुआ तुरंत से, पहले तो लग नहीं रहा था, मेरे को नहीं लग रहा था पर्सनली कि। कल एक रेस्ट के और किया था, शाम को एक डॉग लेकर आए हैं मकरोटी से, जिसका पहले भी हमने ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया है, लेकिन फिर से उसका ट्यूमर रीग्रो हो गया और काफ़ी बड़ा है, मतलब अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो हमने क्या सर्जरी करी थी? तब सर्जरी करी थी सर, सर्जरी ही करी थी, क्योंकि दोनों बार जो हम इन्फॉर्मेशन आए हैं ना, उसमें ट्यूमर काफ़ी बड़ा है। अंदर कौन रुक रहा है? दोनों यहीं पर रहेंगे, कुर्सियों से हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कर देंगे ना, ताकि वो लोग हमारे मेडिसिन वाले एरिया में भी ना जाए और इस तरफ भी ना आए। हाँ भाई, आप तो तूने डरा दिया सबको, इसीलिए मुझे नहीं पसंद ये बछड़े। हाँ। यहाँ पे तो पार्टी है, किस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है यार? ये गोशा करके जिनका ना एक ब्रांड है, तो उन्होंने पहले भी हमें जैकेट भेजी थी, और अब के उन्होंने कुछ लोअर्स वगैरह भेजे हैं सबके लिए, पूरी टीम के लिए। पूरी टीम मतलब मीडिया वाले भी नहीं। सब पूरे 50 लोग। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, ऐसा ना तुम्हारा लोअर निकले ना इसमें। यस, नाइस, सर्दियों के लिए इनर जाएंगे। कॉटन के हैं सर। हाँ, अच्छा ना, वीगन एकदम मामला। कॉटन की भी चीज़ें आपको गर्म रख सकती हैं। अभी भूल वाला वीडियो अपन लोगों ने किया था, तो थोड़ा वो लोग कहते ना कि क्या पहने फिर। यार ये कैसी है अब अमनदीप? अमरप्रीत अमनदीप, अमनदीप तो अपना फोन लाइन हैंडल करता है। हाँ, आई लव यू टू, पर ये कुछ तरीका नहीं है। कहाँ है वो? अगर घास वाले एरिया। अच्छा। अंदर ले भाई, ये ले ले। हाँ बेटर लग रही है, ये ले। उस दिन देखा था ना इसके। हाँ, हाँ। कट लगा हुआ था बोरी, ये ले यार ले। पहले ये और चूचू दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। देसी मुर्गे मुर्गियों का अलग क्लब था, एंड चूचू वॉज लाइक द जैसे हमें लोग अंग्रेज कहते थे। अभी वो अभी इसके खुद के लोग इस पे थोड़ा पड़ गए हैं, तो अब इसकी चूचू से हो गई है दोस्ती।
हम लोगों को लगता है कि सिर्फ हम में डायनामिक होते हैं, इन लोगों में इतना डायनामिक होता है, गली के कुत्तों में इतना डायनामिक होता है कि जो इन फैक्ट हमारा स्पॉट है, ये भी तो फैट्सो को हटा के बॉस बना था, तो फैट्सो कमजोर हो गया था तो आज जीप पंचे दे ले भाई तू खा ले, ले। वो कड़कनाथ नहीं आया ना अभी, जीप खुद आएंगे ना वो ड्रॉप करने, हम करने को तैयार है लोगों को है, तू चढ़ जाता है हमारे पे, हम देखो जरा सा सहला दे तो तेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है, क्या हो गया वहाँ टच करने नहीं दे रहा है ना, बिल्कुल ही नहीं लड़ता है, और खुद अभी मैं खड़ा होता हूँ बात कर रहा होता तो चढ़ जाएगा पीछे, ये देखो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, शेम ऑन यू वैभव, आंख निकली हुई है इसकी, खुद ही ले आए हैं, कल से देख रहा था इसको ऐसे ठीक था, जब रात को देखा इसको पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी बजी हो गई तो ऐसा होता है मोस्टली ना, ठीक है दूध पी रहा था, सोया पूरा दिन सोया रहा, सुबह वो अब अंदर लेके चले ना इसको, मैं इसको सोच रहा था कि व्हाइट कलर है फुल, मैं अपने रिलेटिव को दे दूंगा, वो बोल रहे थे कुत्ता जाइए, बट अगले दिन देखा तो इसका ये हाल हो चुका था, फिर मैंने उसको दूध वगैरह, जब इसकी एक आंख नहीं रहेगी तो फिर कोई, अरे कोई बात नहीं कर लेंगे, दो दिन से आया मेरे पास, ऐसे तो काफी होते हैं, बट ये छोटा पता नहीं कोई छोड़ गया इसको, हाँ सडनली रात को देखा जब ये 6:30 बजे कि इसको मारा है या पता नहीं लगी है चोट इसको, फिर मैंने खुद के पास ही रख लिया, फिर मैं इसको ले आया, एक्सीडेंट हुआ ना इसका जबड़ा भी इंजर्ड है ना, तो इसकी फीडिंग कैसे होगी, ये दूध तो पी पा रहा है तो लिक्विड तो ले रहा है ना, जो हल्का सा बेंड है टूटा है या नहीं है, क्योंकि वो तो अभी ऐसे टच करके नहीं लग रहा पता, क्योंकि स्वेलिंग आ रखी है, परसों ठीक था ये, बिल्कुल ठीक था है ना गुरु, काफी साफ सुथरा हेल्दी सा पप्पी, किसी ने रिलोकेट किया होगा पक्का से, मुझे लग रहा है कि आंख ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा मतलब आंख अंदर चली जाएगी, आंख अंदर चली जाएगी, ऐसा देख के अपनी जो सारे दिन की प्रॉब्लम है ना वो, ये फोन नहीं चल रहा, ईमेल नहीं करी, ये नहीं, वो सब एकदम जीरो सी हो जाती है, वो गई इसकी आंख अंदर, नहीं नहीं आई तो सर्जरी से ही जाएगी अंदर, रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, सर्जरी फिक्सिंग सर्जरी होगी, मुझे लगा संभव कि आपने एंटीबायोटिक और पेन किलर के साथ और हल्का सा कुछ प्रेस करके, एक तो वो काफ का बता रहे थे आप उस समय, हाँ, सर उनको तो मैंने लाने के लिए कर, हुआ क्या है मेरे को पूरा केस नहीं पता, जब कचरा वगैरह जलाने गया था ना उस टाइम ये नीचे नाले में गिरा था, उससे मैंने यहाँ पर पूरा ये बदबू आ रहा था इसके नीचे से, हुई एम्पुटेशन, इससे पहले बहुत अच्छा चलता था जब काटा था है ना, उस दिन बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक उसने ना चलना छोड़ दिया, पर लोकल डॉक्टर को बोलेगा वो तो सुई लगाने नहीं आते, 5 दिन सुई लगाएगा तो थक जाते हैं उन लोग है ना, रोज आना पड़ते है ना, आप इसकी ट्रीटमेंट कहाँ करवा रहे थे सर, पालमपुर के पास से है ना, मैंने पहले यहाँ कांटेक्ट किया था है ना, उस समय आप बोला आप लोगों के पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, ये तो है ना, हमको भी मालूम है, मैंने क्या सोचा इसको मैं खुद करेगा ठीक हो जाएगा छोड़ देगा, सोचा हम कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी और थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका हेल्थ वाइज थोड़ा बढ़ा के सब शायद खड़ा हो जाए दोबारा, अंदर लेके चलो, पीछे के पैर से उठते हैं ना लार्ज एनिमल्स ये, तो इस वजह से कमजोरी भी आएगी और उठने में भी इसको दिक्कत आएगी ना, ये देखा अपना कंटेनर ये बना रखा है फीडिंग के लिए, तो इसकी एम्पुटेशन कब हुई थी, 2 महीना तो हो गया ना, 2 महीना होने वाला है, बैलेंस नहीं बन रहा ना पीछे का पैर, इसको चलने का मालूम नहीं था है ना, फिर बाद में इसको थोड़ा सा मालूम हो गया, 2 पैर पहले हाथ पहले जाते था, हाथ बैलेंस आगे ले जाता था फिर आगे आता था, बीच में थोड़ा दिन के बाद सीखा इसने, आपने घर पे ही रखा हुआ था, नहीं नहीं घर में तो हमारा जगह नहीं होता है, तो आपने रखा कहाँ होता है, कोई गैरेज कोई कार करा करते हैं ऐसे दूसरा का घर में रख दिया, थोड़ा और बड़ा होगा मतलब ये दिक्कत ना दिक्कत नहीं होगी वहाँ बढ़ेगी, डॉक्टर खुद बोल रहा था ये वेट बढ़ेगा, इस टाइम में मुझे वही लगा कि जो अच्छा लगा मैंने कर दिया, अब इसका बाद में क्या होगा मुझे मालूम ही नहीं है, वो आंसर किसी के पास नहीं है, एक तो हिमाचल में कहीं भी ना नकली जो प्रोस्थेटिक लेग है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है,
तो अगर जैसे राजस्थान गुजरात जहाँ पे ज़्यादा हैं गाय, वहाँ पे गाय की प्रोस्थेटिक लेग लगाने वाले हैं, प्रोस्थेटिक लेग लगा दो, पर फिर वो गाय आपकी पेट की तरह आपको पालनी पड़ेगी। कोई केयर टेकर है, टांग हटा रहा है, साफ कर रहा है, दोबारा लगा रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो ये लोग कर रहे हैं। मैं कह रही थी जो हम बुल रेस्क्यू करके लाए शाहपुर से ना, जिसका मैं कह रही थी कि फर्स्ट सस्पेक्ट तो हम लोग ये कर रहे थे कि फुट रॉट हो सकता है, फिर फुट एंड माउथ डिजीज पे, लेकिन इसका जो सिम्टम्स है ना, शायद सर बता रहे हैं ना कि चेकअप के दौरान लंपी स्किन डिजीज तो थी इसको पक्का से, तो जो लम्ब्स रह गए शायद वही लम्ब की वजह से घाव उसके जो खुर के बीच में वो हो सकता है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर गुलशन, समोसा खिला दो बस। क्यों फिर अगली बार तो मैं तभी याद रहेगा कि आज समोसे खिलाया था। हाँ। जो समोसे नहीं खिलाते उनके जन्मदिन ही नहीं होते है। होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। हैं? खाने के भूखे तुम लोग, खिलाओ तो तुम लोग याद रखोगे, नहीं खिलाओ तो नहीं रखोगे। ठीक है ठीक है। कोई रिलीज? रिलीज अकेला का हो सकता है कल में, उसके सूचर्स हमने ओपन कर दिए थे ना, बहुत अच्छी रिकवरी हो गई है, जो उसकी ट्यूमर की सर्जरी हुई थी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो गई, सूचर्स कल खुल गए थे, बस एक दिन रख लेते हैं चेक करने के लिए और उसके बाद कल रिलीज कर देंगे। सूचर खुल गए थे? नहीं खोले हैं हम। हाँ, सॉरी आई वाज लाइक कि रिकवरी अच्छी हुई है, सूचर खुल गए हैं तो कंप्यूट नहीं कर पाया। सूचर खुल गए मतलब कि हमने ओपन कर दिए थे। ये क्या लिखे? नहीं नहीं लिखा है, कहीं गाड़ी खड़ी हुई होगी बाहर, बच्चे बता गए। बच्चों का काम है ये, मुझे नहीं पता लग रहा है ये क्या बताया, लड़का लड़की बनाया है या लड़का और ये जो लड़का लड़की है चम्बी बनाया है, पप्पी है। हाँ पप्पी भी हो सकता है। हाँ पप्पी भी हो सकता है। आप पप्पी हो गया, पिगी हो गया, पिगी। एक वो जो पपी आया है आइस वाला, हाँ लाइक उसका लेकिन जॉ भी फ्रैक्चर है ना, तो उसको पालमपुर भेजना है। हाँ जी पालमपुर, आज डॉक्टर साहब डेट लेंगे पालमपुर में। तो अगर हम पालमपुर जा रहे हैं तो ये जो पफी है, पफी का ट्यूमर एकदम दोबारा आया है तो साथ ही भेजेंगे। ये आपको अब मिली कहाँ से? थी मंदिर में किसी की मन्नत पूरी हुई थी तो उन्होंने इसे चढ़ाया था, फिर मैंने वहाँ से इसे खरीदा था 15 दिन पहले। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ओए ओए ओए, नहीं नहीं नहीं, तो कितना गुस्सा दिखा रहे हैं इन लोग। जहाँ चूचू और वो अमरप्रीत है उन्हीं के साथ रखो, उसके अमरप्रीत के भी इन्होंने पंख नोचे, तो फिर ये तो वहीं चल लेते हैं चूचू के कमरे में, उसके लिए सरप्राइज है कि भाई ये जो बैल है ये वही है ना जो कल शाम को आया, पर बिना डाट गन से थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, है ना? मुश्किल लग रहा है, बहुत बड़ा है भाई। पूरा बैठ गया है, मेरा पकड़ा है नवीन। बाप रे ये तो है भी बड़ा। ओ भाई साहब इतना खतरनाक रिस्क, तो अगले हफ्ते ट्यूसडे ही जाने लायक है।